अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास फोर्थ के लिए सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं 11, ईटिंग टुगेदर। जैसे कि बच्चों हमने पहले इसके मतलब क्लास पार्टी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सेलिब्रेटिंग बिहू। सेलिब्रेटिंग बिहू जो एक फेस्टिवल होता है आसाम में, मतलब राइस हार्वेस्टिंग दिन होता है उस टाइम, वो बहुत ही अच्छी तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, एक साथ खाते हैं, सारा विलेज एक साथ खाते हैं। मतलब ये हमने बच्चों कंप्लीट किया पेज नंबर 94 एंड 95। आज हम इसी चैप्टर में से मिड डे मील के बारे में पढ़ेंगे। मिड डे मील जैसे कि आपको पता है बच्चों, ये मतलब स्कूलों में दिया जाता है, दोपहर का खाना होता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलो बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 96। इट इज़ आलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, मतलब आलमोस्ट आफ्टरनून में 1 o'clock है, मतलब एक बजा हुआ है। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज़ कमिंग फ्रॉम अ वरांडा एंड आवर स्टोमक आर रंबलिंग, मतलब वरांडा जो हमारी स्कूल का वरांडा है उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और जो हमारा स्टोमक है वो भूख से, मतलब जैसे उसमें चूहे दौड़ रहे हैं, मतलब भूख बहुत ही है वो, और बहुत ही अच्छी स्मेल वरांडा से आ रही है। वी आर सो हैंग्री, वी आर नॉट एबल टू प्ले अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास, हमें बहुत ही भूख लगी हुई है और हम हमारा जो अटेंशन है वो क्लास में नहीं है, मतलब डिंग 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 एट लीस्ट नाउ द बेल रैंग, मतलब बेल हो गई, हमारा ये जो था क्लास वो ख़त्म हो गया, बेल मतलब हो गई। ऑल द चिल्ड्रंस रैन आउट, सारे बच्चे बाहर निकल गए, एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड्स, अपने हाथ धोने के लिए। मास्टर इमरान सेंड ऑल द चिल्ड्रंस टू द हैंड पम्प एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, यहाँ जो हमारा मास्टर है मतलब पीटी सर है, वो हर मतलब सारे बच्चों को कहाँ भेज रहा है, हैंड पम्प के नज़दीक जो एक कॉर्नर में, हमारे स्कूल के कोर्ट यार्ड में एक कॉर्नर है, वहाँ ही हैंड पम्प लगाया हुआ है, वहाँ बच्चों को इसलिए भेजा जाता है ताकि वो अपने हाथ धोए। गीता सी दैट एवरी वन वॉशेस वन्स हैंड प्रॉपरली ही कॉल्ड, वो मतलब गीता होती है वहाँ ही एक दूसरी मुलाजिम उसे कहते हैं, जैसे चलो देखिए क्या हर किसी ने हाथ प्रॉपरली धोए हैं। आफ्टर वॉशिंग आउट हैंड्स वी ऑल स्टूड इन ए क्वाइन टू टेक अवर फूड, वो हाथों को धोने के बाद सब मतलब रहेंगे अपने अपने लाइन में और अपना ये जो है फूड लेंगे। सम हैड देयर ओन बॉक्सेस एंड अदर हैड प्लेट्स, कुछ बच्चों को अपने ओन बॉक्सेस हैं एंड अदर के पास प्लेट्स हैं। देन वी ऑल सेट डाउन इन ए सर्कल विद आवर फूड, सारे अपना ये मतलब सर्कल में रहेंगे अपना प्लेट लेकर, अपना खाना लेकर। बिफोर वी स्टार्ट टू ईट वी सैंग टुगेदर, मतलब खाना खाने से पहले हम एक साथ खड़े हो जाते हैं। वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ मतलब रहते खाते भी हैं, प्ले भी एक साथ करते हैं, फॉर द गुड, हर किसी की अच्छाई के लिए। वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, हर मतलब एक साथ रहने के लिए, खुश रहने के लिए हमें एक साथ हमेशा रहना है। टुडे देयर इज राइस विद वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन आवर मील, आज हमारे मतलब ये जो खाना पकाया गया है राइस और विद वेजिटेबल्स के साथ है, आज उसके साथ ग्रेवी वेवी भी है जो हमारे आज मिड डे मील में है। Yesterday we had rice with nutri, yesterday हमें क्या था nutri के साथ, मतलब चावल जो था nutri उसके साथ था, मतलब तरी के लिए। Outside दीदी मुमताज़ रूम a list of food items had been displayed, outside दीदी जो होती है मुमताज़ का, वहाँ एक फूड आइटम्स का लिस्ट मतलब डिस्प्ले होता है। It tells that we will get every day of a week,
वहाँ से हमें पता चलता है कि एवरी डे वीक में क्या मतलब होता है खाने में. वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ ऑन सम डेज वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट में बी समथिंग स्वीट. इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही मतलब कुछ डेज़ में हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब ट्रीट मिलता है कुछ दिनों में. ये हमने बच्चों आज पढ़ा मिड डे मील, मतलब आधा हमने आज पढ़ा, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे. अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़.